आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं कंबल तानकर बिस्तर पर लेटा ही था कि टेबल पर रखा मेरा फोन बज उठा, मगर ठंड इतनी जोरदार थी कि बिस्तर छोड़ने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था। ऊपर से मैं कमरे में अकेला था। पहले तो मैंने कुछ देर तक फोन को बजते रहने दिया, मगर फिर लगा कि कोई जरूरी कॉल होगा, लिहाजन मैं अपने आलसीपन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर से उठा और चलते चलते उस टेबल के पास जाकर फोन देखा तो तपन का फोन था। तपन जो कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, और आज रात ही वो ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। मैंने कॉल रिसीव किया तो उधर से तपन ने कहा, यार वो दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। भाई एक काम करेगा, अपनी कार लेकर जरा मेरे घर आएगा। वो क्या है कि मेरे यहाँ से स्टेशन काफ़ी दूर है ना, और अब 4 घंटे पहले ही टिकट कैंसिल करवाना होगा। जिस पर मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। घड़ी पर से नज़रें हटाते हुए मैंने तपन से कहा, अच्छा ठीक है, पर तुझे पता है ना 4 घंटे पहले रिफंड मिलता है। जिस पर उसने हामी भरी। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और फिर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलते हुए मेरा दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ाया हुआ था, क्योंकि इतनी रात गए मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर तब जब मौसम ठंड का हो। खैर अब दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तैयार होने के बाद मैंने घर वालों को पूरी बात बताई और फिर कार लेकर तपन के घर की तरफ चल दिया। तपन का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूर था तो मुझे अभी वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। कार चलाते हुए मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि पहले के मुकाबले सिल्लीगुड़ी की सड़कें अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं, क्योंकि अब तक गाड़ी चलाते हुए मुझे कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। ऊपर से रात हो जाने की वजह से रास्ते पर उतनी चहलकदमी भी नहीं थी, जिस वजह से मैं कार भगाए जा रहा था। कार को हवा से बातें करवाकर मैं तपन के घर पहुंचा और वहां से उसे लेकर सीधे सिल्लीगुड़ी स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। जितना हो सके मैं कार को उतनी रफ्तार में चला रहा था, क्योंकि अब हमारे हाथ में ज़्यादा वक्त बचा नहीं था और ट्रेन के खुलने से ठीक 4 घंटे पहले ही हमें टिकट कैंसिल करवाना होगा, वरना फिर रिफंड नहीं मिलेगा। फटाफट कार भगाकर कुछ ही देर में हम लोग सिल्लीगुड़ी स्टेशन पहुंचे, और फिर वहां कार को पार्क करने के बाद टिकट काउंटर की तरफ आगे बढ़ने लगे। टिकट काउंटर के पास तपन ने एक कैंसिलेशन फॉर्म उठाया और उसे भरने लगा। जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करके उसने टिकट काउंटर में जमा दिया और वहां से उसे रिफंड मिल गया। चैन की सांस लेते हुए मैं और तपन स्टेशन से बाहर निकले और फिर पार्किंग से कार निकालकर तपन के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर पहले के मुकाबले अब रास्ता और भी ज़्यादा खाली हो गया था। इसी खालीपन को देखते हुए मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो रात के 11:15 बज रहे थे। अब रास्ते पर धीरे धीरे धुंध फैलने लगी थी, जिससे ज़्यादा दूर का साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हालांकि विजिबिलिटी इतनी थी कि मैं कार सही से चला सकूं। आहिस्ता आहिस्ता अब ठंड भी जोर पकड़ रही थी। वैसे तो कार की सारी खिड़कियां बंद थी, मगर बावजूद इसके हमें ठंड लग ही रही थी। खैर मैं तेज तेज गाड़ी भगाकर तपन के घर पहुंचा। कार रुकते ही तपन ने उतरते हुए कहा, यार आजा घर पर, खाना वाना खाकर निकलना। जिस पर मैंने उसे मना करते हुए कहा, फिर कभी आऊँगा यार, आज रात बहुत हो गई है। ये बोलकर मैंने गाड़ी घुमाई और वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। घर की तरफ आगे बढ़ते हुए मैंने एक दफ़ा अपना मोबाइल चेक किया कि कहीं घर से कोई फ़ोन तो नहीं आया है, मगर अब तक घर से कोई फ़ोन नहीं आया था। रास्ते पर फैले कोहरे को चीरती हुई मेरी कार आगे बढ़े जा रही थी। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि इतने में ही मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया तो घर से कॉल था। मैंने उन्हें ये बोलकर फ़ोन रख दिया कि बस रास्ते में ही हूँ।
अभी मैंने फोन रखकर वापस अपनी निगाहें सामने रोड की तरफ घुमाई ही थी कि ठीक तभी मेरी कार का फ्यूल मीटर इंडिकेट करने लगा कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। ये देखकर अब मैं थोड़ा परेशान सा होने लगा था, क्योंकि अभी मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसमें दूर दूर तक कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं था। कुछ देर दिमाग पर जोर डालने के बाद मुझे याद आया कि सामने के चौक से दाएं जाने पर एक पेट्रोल पंप है, क्योंकि मैं वहां दिन के वक्त बहुत बार आ चुका हूं। ये सोचकर मैं कार को और तेज तेज भगाने लगा ताकि जल्द से जल्द पेट्रोल पंप पहुंच सकूं। थोड़ी दूर आगे जाते ही मैं उस चौक पर पहुंचा जहां से मैंने गाड़ी को दाईं ओर घुमा ली। अब मैं जिस रास्ते पर था वो एक सिंगल लेन का रोड था, जिसके दोनों तरफ कहीं कोई घर या फिर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उस सुनसान रास्ते पर हवा से बातें कर रही मेरी इकलौती कार का फ्यूल मीटर बार बार इंडिकेट कर रहा था, जिसे देखकर मैं कार को हवा से बातें करवा रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर थोड़ा आगे गया ही था कि सामने रोड पर मुझे एक लड़की खड़ी दिखी, जो हाथ दिखाकर मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। तो पहले तो मैंने गाड़ी नहीं रोकने का सोचा, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद कोई गंभीर बात होगी, लिहाजन मैंने गाड़ी रोकी। मेरी गाड़ी रोकते ही वो लड़की मेरी खिड़की के पास आई और बोली, जरा आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं उस लड़की को मना करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैं जाकर भी उसे मना नहीं कर सका। ऊपर से वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। आखिर में मैंने उसे हाँ बोला, और मेरे हाँ बोलते ही वो लड़की मेरी कार में आकर बैठ गई। मैंने कार को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की से पूछा, आप यहाँ इतनी रात गए? जिस पर उस लड़की ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ। उस लड़की की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक कहीं कोई घर नहीं था। उस लड़की की बातों में अब तक मैं इस कदर खो गया था कि मैं पेट्रोल पंप वाली बात भूल चुका था। फिर जब मुझे ध्यान आया तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो पेट्रोल पंप पीछे ही छूट गया था। फिर मैंने कार को यू टर्न लिया और वापस पेट्रोल पंप की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर में ही मैं उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो वहां कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि पेट्रोल पंप चालू था, मगर वहां कोई स्टाफ दिख नहीं रहा था। लिहाजन मैं गाड़ी से नीचे उतरा और किसी स्टाफ को ढूंढने लगा। कुछ देर तक ढूंढने के बाद मुझे पेट्रोल पंप से थोड़ा हटकर टेबल पर एक आदमी बैठा दिखा, जो कि बैठे बैठे झपकियाँ ले रहा था। मैंने वहीं से उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया भैया पेट्रोल चाहिए। इस पर वो आदमी उठकर मेरी तरफ आने लगा। इसी बीच उस लड़की ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मुझे इशारा किया, जिस पर मैंने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, हाँ बस आ रहा हूँ। मेरे ये बोलते ही पता नहीं क्यों वो स्टाफ मेरा मुंह ताकने लगा, जिस पर मैंने कहा, मुंह क्या देख रहे हो भाई, जल्दी पेट्रोल डाल दो, देख नहीं रहे मैडम गुस्सा कर रही है? जिस पर उस स्टाफ ने कहा, पर सर आप तो अकेले हो, आपके कार में भी तो कोई नहीं है। ये सुनकर मेरा तो पारा ही चढ़ गया। चिड़चिड़ाते हुए मैंने उस आदमी से कहा, अंधे हो या फिर पीकर सोए थे, इतनी बड़ी लड़की नहीं दिख रही कार में। जिस पर उस स्टाफ ने कहा, कहीं ये लड़की आपको रास्ते में तो नहीं मिली थी? जिस पर मैंने कहा, हाँ वही तो है, पर ये सब तुम्हें कैसे पता? इस पर उस स्टाफ ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और कार के तरफ घुमाया, तो कैमरे का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। असल में मेरी कार में अभी जो लड़की बैठी थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, क्योंकि उस लड़की का चेहरा अब पूरी तरह से बदलकर बड़ा ही खौफनाक हो चुका था। तभी उस स्टाफ ने अपने पास में रखी एक बोतल को उठाया और कार के पास जाकर उस बोतल के पानी को कार के ऊपर छिड़कने लगा। जैसे ही उसने वो पानी कार के ऊपर छिड़का कि एकदम से गाड़ी में बैठी वो चुड़ैल छटपटाने लगी और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने उस आदमी से उस चुड़ैल के बारे में पूछताछ की, तब जाकर उसने बताया कि आज से कुछ साल पहले
एक लड़का लड़की शादी करना चाहते थे, मगर जात पात के भेदभाव की वजह से किसी के घर वाले राजी नहीं हुए और आखिर में उन्होंने जहर खाकर जान देने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने उसी रास्ते के किनारे वाले जंगलों को चुना। मगर जैसे ही बारी जहर खाने की आई तो लड़की ने तो जहर खा लिया, मगर ऐन वक्त पर लड़के ने जहर नहीं खाया और वहां से भाग निकला, जिस वजह से उस लड़की की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो गई। तब से उस लड़की की आत्मा वहीं भटकती है और उस रास्ते पर आने जाने वाले बहुत से लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, जिनमें से बहुतों की मैंने यानी उस पेट्रोल पंप के स्टाफ ने गाड़ी में गंगाजल छिड़क कर जान बचाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।